दोस्तों हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और प्रश्नों को लगाइए। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग सके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए खाली क्वेश्चन ये देखने में ईजी लग रहा है लेकिन है प्रीवियस ईयर के, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो होप आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा, नहीं किया फिर से वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। देखिए क्या है, चार है फिर बारह है फिर छः है अठारह है फिर सत्ताईस है। मतलब पहले तो क्या हुआ, बढ़ा है फिर घटा है फिर बढ़ा है फिर घटा है। तो याद करिए वीडियो की शुरुआत मैंने आपको बोला था कि आपको मल्टीप्लिकेशन के भी क्वेश्चन नजर आ सकते हैं, डिवीजन के भी सीरीज नजर आ सकते हैं कितने क्वेश्चन। तो चार से बारह पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो तीन से गुना करते हैं। तो चार किया बारह का लिखता हूँ मैं, ठीक है, फोर ट्वेल्व सिक्स एटीन क्वेश्चन मार्क 27। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है बीच में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब बीच वाला क्वेश्चन मार्क किस फॉर्म में करना है, तो चार को मैं क्या करूंगा, तीन से गुना तो बारह। अब बारह से छह कैसे, बारह से छह कितना हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, यानी कि बारह में डिवाइड हुआ होगा किससे, दो से, तो आया होगा छह। फिर छह में क्या है, तीन से मल्टीप्लाई किया है तो छह तरीक अठारह और उसके बाद फिर अठारह तीन से गुना दो से भाग, तीन से गुना। अब मैं यहाँ पर दो से भाग करूँ, दो से भाग करो तो अठारह में दो से भाग करूंगा तो नौ आएगा, फिर मैं नौ को तीन से गुणा करूंगा तो सत्ताईस आ जाएगा। यानी क्या कर रहा था इसमें, पहले तीन से गुणा कर रहा था फिर उसके अगले वाले संख्या को दो से भाग कर रहा था, फिर तीन से गुणा फिर दो से भाग फिर तीन से गुणा। तो इस प्रकार से अठारह में हमें दो से भाग करना था और आ जाता है ये नौ, ठीक है, आ जाता है ये नौ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी नाइन इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न क्या है, सेवन है और इलेवन है फिर 19 है और 35 है। अब बताना है कि इसके आगे क्या होगा, ठीक है। तो साथ में क्या करूंगा, मैं 4 ऐड करूंगा, 11 में 8 ऐड करूंगा, 19 6 25 10 35 37 16 और अब हमको बताने क्या होगा। ये तो दिख रहा है, तो लेकिन साफ साफ दिख रहा है क्या हुआ है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, अब हमें क्या करना है, 16 दूनी 32 करना है, यानी कि मुझे 35 में 32 तक ऐड करना है। पैंतीस में मैं 32 ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, आ जाएगा 5 को 7 और 3 3 6 यानी 67 आना चाहिए। तो ये क्या बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, 67 ये सब रेलवे के क्वेश्चन है पूछे गए। अब अगला प्रश्न देखिए, 87 76 63 के बीच में है क्वेश्चन मार्क, फिर आगे 37 और 24। अब बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। ये तो पता चल रहा है कि क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है, पहले बड़ा था फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर यहाँ का पता नहीं फिर उससे छोटा और उससे छोटा, ठीक है। देखते हैं क्या हुआ है, यहाँ पे 7 से 6 गया तो 1, 8 से 7 गया तो 1, यानी कि 11 क्या हुआ है, कमा है। फिर 6 से 3 गया तो 3, 7 से 6 गया 1, यानी कि 13 कमा है। अब यहाँ से यहाँ पे 11 कम गया, यहाँ से यहाँ पे 13 कम गया, लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं, फिर क्वेश्चन मार्क के बीच में, लेकिन यहाँ से यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 7 से 4 गया तो 3 और 3 से 2 गया तो 1 माइनस 13, यानी कि यहाँ भी 11 यहाँ भी 13, तो यहाँ भी क्या है 13, यानी कि यहाँ भी क्या हुआ होगा, 11 हुआ होगा, यानी कि कहने का मतलब इसमें 24 में 13 जोड़ा तो 37 आया। अब 37 में क्या करेगा, 11 जोड़ेगा तो क्या आएगा, 37 में अगर मैं 11 जोड़ूँ कितना आएगा, 37 में 11 जोड़ने के प्लस है भाई, प्लस प्लस 7 1 8 और 3 1 4, यानी कि 48 हमारा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 48 इसका राइट आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या आपको ध्यान रखना था कि पहले तो माइनस 11 हुआ फिर माइनस 13 हुआ, उसके आगे आपको पता नहीं क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब लास्ट में फिर हमने ये दो जो गिवन थे इसे हमने क्या देखा कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, 13 का है। तो हमने क्या करा कि हमने ये पता लगा लिया कि 11 13 फिर 11 13 का सीरीज चल रहा है, जब यहाँ पे 24 में 13 ऐड हुआ 37 आया तो यहाँ जरूर 37 में 11 ऐड होते यहाँ पे क्या आएगा, 48 आएगा। तो ऑप्शन में भी 48 है भी, यानी कि 48 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग कुछ और जो टाइप के क्वेश्चन बच गए उनको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है 6 18 54 क्वेश्चन मार्क, अब देखिए मैंने जो प्रश्न लिया है उसमें क्या है, पहले के दो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क जो हमारा जो डिफाइन कर रहा हूँ बीच में, ठीक है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें दिमाग लगा सकें। तो देखिए 6 से क्या हुआ है, 6 से क्या हुआ है 18, मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ 6 18 54 क्वेश्चन मार्क 486 आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने क्यों बोला आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, आपको भी दिख ही रहा होगा कि 6 से 18 कैसे होगा, तो बोलेगा
गुणा किया होगा, अभी तक 6 से क्या हुआ होगा 18 हुआ होगा, 18 से 54 कैसे, वो भी 3 से गुणा हुआ होगा। तो अब मैं 54 को भी 3 से गुणा करूँ, 54 को 3 से गुणा करूंगा तो 54 4 या 12 3 5 15 116 यानी 162 आना चाहिए, 162 ऑप्शन में है। अगर आप फिर से चेक करना चाहते हैं तो देख लीजिए 162 को 3 से गुणा करिए, अगर 486 आता है तो हमारा पैटर्न सही है। तो 3 × 6 = 3 × 18 = 3 × 36 486 आया ना, 162 को मैंने क्या किया 3 से गुणा किया तो 486 आया, और 486 को भी मैं जब 3 से गुणा करूंगा तो 1458 ही आएगा। यूनिट डिजिट से लिए 6 × 3 = 18 और यहाँ क्या यूनिट डिजिट पे 18 यानी कि हम मतलब सोच रहे एकदम सही सोच रहे हैं, तो यानी कि 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54 और 54 × 3 = 162 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके गाइस गेट इट। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन में क्या है आपको मतलब एक में तो बिना पॉइंट है, एक में दशमलव आ गया मतलब पॉइंट आ गया, अब मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क फिर दशमलव है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत कुछ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, जान बुझ के ये पॉइंट इसलिए देते हैं कि बच्चा इसको देख के छोड़ दे और स्किप कर दे। देखिए यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 5.2, 6.4 क्वेश्चन मार्क 8.3। अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालूं तो कितने का डिफरेंस है, 4 में लिख सकता हूँ ना 4.0, क्योंकि कभी भी कुछ इंटीजर संख्याएं होती है अगर उनमें पॉइंट नहीं रहेगा मतलब 0.00 है वो क्या है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 17 या फिर मैं लिखूँ 17.000 तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, मतलब दोनों संख्याएं तो सेम ही है, मैं पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगाऊँ या मैं पॉइंट के बाद जीरो लगाऊंगी या पॉइंट लिखूंगी ना 17 ही रहेगा नहीं, मतलब कहने मतलब पॉइंट लिखने के बाद हम लोग जितना नंबर उतना जीरो लिख सकते हैं, और यहाँ पे जब जीरो नहीं दिया तो अपने मन से जीरो लगा भी सकते हैं, यानी कि 4.0, 5.2, 6.4। अब देखिए अब यहाँ पे आपको देखने से कुछ कुछ दिख रहा है ना, क्या ये 52 और 52 से 40 किया तो 12, यानी मतलब 5.2 में से जब हम 4.0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1.2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 2 किया 2, पॉइंट का पॉइंट 6 में से 7 किया 1, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1.2 ऐड हुआ, यहाँ पे 1.2 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1.2 को ऐड करेंगे प्लस 1.2 करेंगे तो 6.4 में 1.2 ऐड करेंगे तो 4 × 6 = 6.17 यानी कि 7.6 आना चाहिए। आप देखिए 7.6 को भी आप 1.2 से ऐड करके देख सकते हैं कितना आएगा, 6 × 2 = 8, 7 × 8 = 8.8 आएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे मौजूद है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7.6। क्या हो रहा था उस सब में ऐड हो रहा था प्लस 1.2 प्लस 1.2 प्लस 1.2 और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 7.6। ठीक है अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 1, 3, 6, 11, 18 ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था क्या है 1, 1, 3, 6, 11, 18 क्वेश्चन मार्क, एंड 1 से 3 जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, 2 वाली गाड़ी पे चढ़ के जाऊंगा, 3 से 6, 3 वाली पे, 6 से 11, 5 पे, 11 से 18, 7 पे और 18 से 1 नहीं पता, हमें पता करना है। तो ये देखिए पहले 2 और 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये हम पता लगा रहे हैं ना कि 2, 3, 5, 7 के कौन से पैटर्न है, तो प्राइम नंबर्स के पैटर्न है, तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, सी नहीं 9, 7 के बाद 11, 18 में क्या जोड़ेंगे 11, क्योंकि 9 तो एक प्राइम नंबर है ही नहीं, अगला 7 के बाद 8 क्योंकि नहीं है प्राइम नंबर, 9 नहीं है प्राइम नंबर, 10 भी नहीं है, 11 है प्राइम नंबर, तो 18 में 11 जोड़ेंगे तो 8, 1, 9 और 1, 1, 2 यानी कि 29 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी में है 29, तो 29 इसका हो गया राइट आंसर। तो ये तो कुछ मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो भी फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को ये चीज़ आनी चाहिए, अगर आप नहीं भी दे रहे फिर भी ये सब क्या है इससे आपका माइंड एकदम शार्प होगा, तो ऐसे वीडियो को आप क्या करिए देखते रहिए, रीजनिंग देखने से आपका माइंड एकदम अच्छे से शार्प रहता है, तो रीजनिंग देखा करिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको क्या सिखाई से। थैंक यू सो मच।